प्रतिबंधित नक्सली संगठन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के कट्टर उग्रवादी और 10 लाख रुपए के इनामी जीवन कुंडलाना ने झारखंड के रांची पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। रांची जिला पुलिस ने रविवार को यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि नक्सली जीवन कुंडलाना सरांडा का आतंक माना जाता था और कई कांडों में वंचित था। खूंटी जिले के रनिया गाँव निवासी जीवन भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर था। इस मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जीवन के आत्मसमर्पण में उसके परिवार के सदस्यों का योगदान अहम रहा। नक्सली को कानूनी सहायता दी जाएगी, सजा के बाद नौकरी या व्यवसाय में मदद दी जाएगी। जीवन अब परिवार के साथ हजारीबाग ओपन जेल में भी रह सकता है। वहीं आत्मसमर्पण के बाद कुंडलाना ने कहा कि सरकार की आत्मसमर्पण नीति और विकास कार्यों से प्रभावित होकर उसने सरेंडर किया है। सरेंडर करने के बाद कुंडलाना ने अपने दूसरे साथियों से भी मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की है। सीसी से पुलिस ब्यूरो तक खाली नीचे के कैडरों को इस्तेमाल किया जाता है, जो झोला टंगाया जाता है, इसके कारण से ही सब लोग माओवादी पार्टी छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने के लिए और लोग भी इसे चाहते हैं और हम भी अपील किए हैं कि लोग आगे जुड़ेंगे। आगे क्या योजना? तो जैसे कि आप जानते हैं सरकार की दोनों पॉलिसी है, सृजनात्मक या विध्वंसात्मक। तो यदि पहला प्रयास, हम सब कल्याणकारी राज्य के पार्ट हैं, हम चाहते हैं कि जो लोग किसी गलत मानसिकता शिकार होकर या गलत सत्संगति में आके अपना घर बार समाज छोड़ चुके हैं, वह समय रहते वापस आ जाए। उसके जीवन के पुनर्निर्माण के लिए प्रशासन राज्य के द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जो लोग कहीं ना कहीं किसी न प्रकार से सरकार को या प्रशासन को हिट करने की कोशिश करेंगे, चैलेंज करने की कोशिश करेंगे, उसके पास दूसरा विध्वंसात्मक पॉलिसी भी तैयार है। बट वो विध्वंस से कभी सृजन नहीं होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बात से, संवाद से, न्यूगेशन से, टॉक से और आपसी विश्वास से ही सृजन हो, नवनिर्माण हो। और जो लोग अभी उस एक कठिनपूर्ण चुनौतीपूर्ण जीवन जी रहे हैं या किसी जंगल में, वो लोग आए। आप सरकारी आपकी है, राज्य आपका है, समाज आपका है, राष्ट्र आपका है, आप सबका स्वागत है। आप समय रहते अपने घरवार परिवार बाल बच्चे के साथ वापस आ जाएं और अच्छा जीवन जिंदगी जिए। जीवन कुंडलाना जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक प्रतिशोध की भावना से ग्रसित होकर यह अपने आप को मॉइस्ट का कैडर ज्वाइन किया था और उसके बाद जैसे कि प्रतिशोध और हिंसा की भावना से ज्वाइन किया था, तो बहुत जल्दी ये अपने संगठन में हाई रैंक पे पहुंच गया। जहां तहां बहुत ज़्यादा इन्होंने ब्लास्ट किया है, बहुत सारे इन्होंने कांड किए हैं, जैसे कि कन्फेशन में आया है, आप लोग को बोल भी रहा था। और ये एक नाम चेहरा था जिस कारण इस पर 10 लाख का रिवार्ड घोषित किया गया और सरांडा के लाल आतंक कहलाता था। तो जब इतने दुर्दांत खतरनाक अपराधी की बचाता है चेंज हो सकती है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन मतलब जो अभी नए नए अर्ली स्टेज में हैं, वो लोग भी इस चीज़ समझेंगे, क्योंकि शांति में ही, समन्वयता में ही और एक समन्वयता के साथ जो संस्कार होता है उसी में विकास होता है। तो सभी लोग अपने चीज़ों को, भावनाओं को समझें कि हम सब इंसान हैं और हिंसा से कभी भी शांति स्थापित नहीं हो सकती है। तो गलत रास्ते को त्याग के मुख्य राजधारा में आ जाएं।